मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर कॉन्स्टेबल जीडी एग्जाम्स। सो काफ़ी दिन से मैं देख रहा था कि कमेंट्स आ रहे थे कि सर किस कैटेगरी में जो है जीडी जो परीक्षा होगी उसमें पासिंग मार्क्स हमको लाने होंगे, मतलब किस कैटेगरी के लिए कितने नंबर कंपलसरी है। और दूसरा, आपने देखा होगा जब रिजल्ट आप लोगों का आता है तो उसमें जो पार्ट ए होता है पार्ट बी होता है, मतलब पार्ट ए के मार्क्स और पार्ट बी के मार्क्स भी जो है आपको शो होते हैं, है ना। तो ये क्या चीज़ें होती है और आपको पास होने के लिए जो कितने नंबर आप लोगों को लाने होंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं यहाँ पर आप लोगों का जो फाइनल जो रिज़ल्ट आप लोगों का बनता है, ठीक है, उसका क्या प्रोसीजर रहता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि पार्ट ए के जो मार्क्स है, ठीक है, जो आप लोगों के पार्ट ए के मार्क्स कैसे जो है जुड़ते हैं, पार्ट बी के मार्क्स कैसे आप लोगों को जुड़ते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ का क्या मैटर रहता है ना। और ये आप लोगों का जो एप्लीकेशन ऑर्डर जो नेम वाइज रहता है, जैसे कि आपका स्टार्टिंग विथ फर्स्ट नेम है ना, कुछ इस तरीके से आप लोगों का रहता है जो फाइनल जो आप लोगों के एग्ज़ाम के जो मार्क्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को हम देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली छोटा सा वीडियो है, क्योंकि ये डाउट काफ़ी रहते हैं कि हम कितने नंबर पर जो है उस एग्ज़ाम में पास हो चुके, बाकी एक कट ऑफ एक अलग चीज़ होती है ना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जीडी भर्ती से जुड़ी जो भी अपडेट्स आती है वो आप लोगों तक सही और सटीक पहुंचती रहे। दूसरी चीज, अभी आपके जो समय है एग्जाम में थोड़ा, है ना, तो आप अभी फ्री मॉक टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो आप लोगों को एक ओ लाइव करके एक वेबसाइट है, ठीक है, ओ लाइव बोर्ड ही वेबसाइट है जो कि फ्री में आप लोगों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रही है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, सिंपल सा आपको इसमें जो है लॉगिन कर लेना, आपका जीमेल और जो है आपका एक पासवर्ड बना लेना है, जीमेल से आप लॉगिन कर लेंगे और फ्री में आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, है ना। और अगर आप जो है यहाँ से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए, खास करके जीडी एग्ज़ाम्स की मैं बात कर रहा हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है और मैंने कमेंट्स में भी पिन कर दिया है, वहाँ से भी जाकर आप जो है इसको देख सकते हैं, है ना, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर कट ऑफ जो बनेगी, देखिए ये आप लोगों का इसमें दिया हुआ है आप लोगों को पूरा जो आप लोगों का कट ऑफ मार्क्स रहने वाला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का। देखिए इसमें क्या बोला है कि आपका जनरल और जो एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट है उसको 35% में यहाँ पर दिया है, ठीक है, मतलब 35% आप लोगों को एग्ज़ाम में नंबर लाने हैं। ये एग्ज़ाम की बात है ना, ना कि फिजिकल ना कि मेडिकल, और इसमें आपके नंबर्स नहीं मिलते फिजिकल और मेडिकल में, मेन नंबर होते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के। तो 35% जो नंबर है आप लोगों के जनरल और एक्स सर्विसमैन वालों को लाना है, और जो 33% जो है नंबर वो आप लोगों को एससी एसटी और ओबीसी में लाना है, ठीक। ये आप लोगों का पहला यहाँ पर इन्होंने नोटिस में मेंशन किया हुआ है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं आप लोगों की एग्ज़ाम है 100 नंबर की, और 100 नंबर में अगर हम देखें तो 35 नंबर आप लोगों को जनरल और एक्स सर्विसमैन और एसटीएससी और ओबीसी को आपको 33 नंबर जो है लाने कंपलसरी है। इस नंबर के पीछे अगर आप आते हैं, है ना, यहाँ पर याद रखिएगा कि क्या होता है, कुछ कुछ जो स्टेट्स होते हैं उनकी कट ऑफ सिर्फ 33 नंबर पर चली जाती है ना, बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं, और पिछले बार की कट ऑफ्स अगर आपने देखी होगी तो 33 नंबर भी कट ऑफ गई है। तो आपको मिनिमम नंबर 33 तो लाने ही है, बाकी कट ऑफ आप लोगों का 33 नंबर नहीं जाता, वो एक अलग चीज होती है, वो तो आप लोगों का 70-80 तक जो है आप लोगों की कट ऑफ जाती है ना। ये तो बात हो गई मिनिमम नंबर्स, है ना, जो पासिंग मार्क्स है उसकी यहां पर मैंने बात करी है। अब अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, यहां पर आप देखेंगे मैं जो आपको जो पार्ट ए और पार्ट बी बताने वाला हूं वो क्या चीज है। अब यहाँ पर आप देखिए ये आप लोगों का दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन में आपका टोटल मार्क्स फॉर सॉरी इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, जो कट ऑफ बनने का आप लोगों का जो प्रक्रिया रहती है, सबसे पहली चीज़ तो आपके टोटल मार्क्स देखे जाते हैं आप लोगों के कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो हुआ है ना, उसमें आपका पार्ट ए पार्ट बी दोनों आता है। उसके बाद फिर मार्क्स इन पार्ट ए फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसके बाद देखा जाता है आपका मार्क्स जो आप लोगों के पार्ट बी में आए हैं उसको, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को प्रेफरेंस दी जाती है, उसके बाद अल्फा जो बेटिकल ऑर्डर होता है उस पर प्रेफरेंस देते हैं, कट ऑफ जो फाइनल बनती है। अब इनको कैसे हम समझते हैं, देखिए पहली चीज तो आप लोगों का पार्ट ए का मतलब हो गया आप लोगों का मैथ्स, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, पार्ट ए में आप लोगों का मैथ्स और रीजनिंग आता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं पार्ट बी में तो आप लोगों का जीके और जीएस। अब जीके और जीएस देखिए यहां पर ये किस तरीके से काम करता है इस चीज को आप समझेंगे। दो समान व्यक्ति है, जो दो समान जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर है
एग्जाम्पल के लिए 70, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके कट ऑफ बनाने के लिए किसकी मतलब सिलेक्शन किसका होगा, इसके लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि इनके जो टोटल नंबर है वो कितने हैं। दोनों के 70-70 नंबर हैं, ठीक है, ये सबसे पहली प्रेफरेंस है। दूसरे नंबर पे देता है कि पार्ट ए में यानी मैथ्स और रीजनिंग में इसके फर्स्ट या ए व्यक्ति के नंबर कितने हैं और पार्ट बी ए में जो है बी व्यक्ति के नंबर कितने हैं, ठीक है। ये भी अगर हम समान मानते हैं कि दोनों के जो है 20-20 नंबर हम मान के चलते हैं। फिर उसके बाद देखा जाता है कि पार्ट जो बी है, ठीक है, पार्ट बी में ए के कितने नंबर है, बी के कितने नंबर है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि इसमें भी जो है समान है, इसमें भी हम लेके चलते हैं कि 30-30 नंबर है, ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं। तो सब फिर चौथे नंबर पे क्या होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ जो है यानी आपकी अगर उम्र अधिक है तो आपको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान है, वैसे डेट ऑफ बर्थ समान नहीं होती है, बहुत इन केस ही ऐसा होता है, बाकी अगर ये भी समान है तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन नेम्स, ठीक है, स्टार्ट से लेकर फर्स्ट नेम तक जाता है, मतलब पीछे वाले का सिलेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस है। तो पार्ट ए क्या था, मैथ्स और रीजनिंग में आपको अच्छे नंबर लाने हैं, अगर आपको फाइनल मेरिट में अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको उसकी हेल्प मिलती है। पार्ट बी में भी आपको अच्छे नंबर लाने हैं, मतलब पहला तो पार्ट ए है मैथ्स रीजनिंग, बाकी आपका जीके जीएस और जो हिंदी है ये आपका पार्ट बी में आता है। उम्मीद है ये जो मैंने चीज़ें इस वीडियो में बताई है आपके कट ऑफ्स के संबंधित जो पासिंग मार्क्स जो आप लोगों को जीडी में लाने हैं। बाकी आपको ये नहीं सोचना है कि 33 नंबर में आपको सिलेक्शन हो जाएगा या 35 नंबर में हो जाएगा, ये आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स है कि इतने नंबर तो आपको लाने ही हैं। बाकी आप लोगों का कट ऑफ आप कितना जाएगा क्या जाएगा वो एग्जाम्स के बाद आपको एनालिसिस तो हम जरूर देंगे ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।